गुड आफ्टरनून एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बिरयानी बनाने लगी हूँ क्योंकि दोपहर का टाइम है तो बच्चों ने कहा मैं आपसे वीडियो शेयर करूँ। तो आइए मैं आपको बताऊँ कि बिरयानी में मैंने क्या क्या इस्तेमाल करना है। सबसे पहले मैं लूँगी चिकन 1.5 किलो, इमली, और इसका मैंने पेस्ट बना लिया है, गरम का पेस्ट, टमाटो पेस्ट, 2 आलू, का नमक अगर मुझे चावल बॉईल करके उसमें डालने पड़ा तो, 2 प्याज, 1 पैकेट मैंने लिया बिरयानी मसाला और 1 पाव दही, और 1.5 किलो ही मेरे चावल हैं। और बिरयानी मसाला मैंने शाम का यूज़ किया है, ये भी इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ, और इसमें मैंने प्याज डाल के फ्राई करके चिकन बिरयानी मसाले का जो चिकन है उसे अलग से तैयार कर रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 2 कप मैंने ऑयल डाला है, प्याज जो मैंने काटी हुई थी वो मैंने इसमें डाल दी है ताकि इसे मैं फ्राई करूं। एक कप ऑयल लिया मैंने तकरीबन 2.5 कप, और उसमें मैंने 2 अदद बड़ी प्याज डाले हैं फ्राई के लिए, जो हमने चिकन मसाला अपना बनाना है बिरयानी के लिए उसके लिए। और साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे पे गर्म पानी रखा है ताकि मैं साथ साथ चावल बॉईल करूं, आपका और मेरा टाइम भी बच जाए। गर्म पानी रखा था चावल बॉईल करने के लिए, इसमें मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच नमक के ताकि चावलों में हमारा नमक का टेस्ट आ जाए और बिरयानी का फ्लेवर अच्छा हो। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो मेरा प्याज है ब्राउन होना शुरू हो गया, तो मैं सिर्फ इसका सुरख होने का, इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने का वेट करी, उसके बाद इसमें मैं चिकन ऐड करूँ। देख रहे हैं कि मेरे प्याजों का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसलिए अब इसमें मैं चिकन ऐड कर रही हूँ ताकि साथ ये भी फ्राई हो जाए। एक बार फिर से बता दूँ कि मैंने 1.5 किलो चावल और 1.5 किलो चिकन लिया है, दोनों की मिकदार बराबर में ली है। जब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। मेरा चिकन फ्राई हो चुका है आप देख सकते हैं, और मैं इसमें ऐड करूंगी ये 2 आलू जो मैंने लिए थे, क्योंकि बिरयानी में आलू अच्छे लगते हैं और लोग शौक से खाते हैं। ये देखिए चिकन मेरा कितना अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि 2 चम्मच मैंने पानी में नमक के डाल दिए हैं ताकि चावलों के अंदर नमक अपना असर दिखाए। जो मैंने बना के रख लिया था पहले ही, जब आप कुछ भी बनाएं तो चीज़ें ज़ाया नहीं करें, ये सब निकाल लिया करें। फिर मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसे अच्छी तरह से हिला देती हूँ। ये जो हमारे चिकन और आलू है इसी मसाले में ये फ्राई हो जाएंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बिरयानी मसाला, और 1 पाव दही जो मैंने मंगवा कर रखा था। Thank you.
मिला रही हूँ ये इमली का पेस्ट जो मैंने बनाया था, इससे हमारी बिरयानी स्पाइसी और टेस्टी हो जाएगी और भी, क्योंकि बच्चे बिरयानी में थोड़ी सी खटास पसंद करते हैं। ये मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया है और इसे मैंने रख दिया और वेट करी, इसे भून के फिर इसके आगे मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि आप ये देख सकते हैं ये चावल मेरे बॉइल हो मैंने रखे थे और ये देखें आप ये बस होने ही वाले हैं। ठीक है, नमक मैंने ऐड कर दिया था और हम इसमें जब ये दो कनी रह जाएगी तो हम चावल उतार लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये मैंने बिरयानी के लिए सब मसाला जो डाल के चिकन आलू और सब चीज़ें डाल के इसे फ्राई करने के रखा था, बस ये तकरीबन कंप्लीट होने को है। हमारे आलू भी तकरीबन गल गए हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ मैंने ये चावल रखे थे बॉयल के लिए, ये भी होने वाले हैं, बस थोड़ा सा मैं वेट कर रही हूँ फिर मैं इसे उतारती हूँ और इसे पानी से चावलों को बाहर निकालती हूँ। अभी मेरा चिकन बिरयानी के लिए रेडी हो चुका है और अब मैं आपको इसकी तह लगा के बताती हूँ कि हमने इसे बिरयानी किस तरह से बना के ऐड करना है। सबसे पहले हम इसमें चिकन की तह लगाते हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने बिरयानी की तह लगा ली है, अब इसकी दम पे लगाने से पहले इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पुदीना, थोड़ी सी ग्रीन चिल्ली, दम पे लगाते हैं और फिर तैयार करके आपको दिखाती हूँ कि हमारी बिरयानी तैयार है। इसमें थोड़ा सा हम कलर डालेंगे, ऐड करेंगे इसमें ये मीठा कलर। दम पे रखने के लिए मेरी बिरयानी तैयार है, तो हम इसे 10 मिनट के लिए अब दम पे रखते हैं। व्यूअर्स की जैसे मेरी बिरयानी आपकी व्यूअर्स आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी बिरयानी सिर्फ 10 मिनट के लिए दम पर लगाई है और आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत अच्छा हो गया है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है बिरयानी की, ये आप देख सकते हैं एक एक चावल इसका अलग है। ठीक है, ये देखिए मसाला खाना हो वो मसाला ले, जिसने सादा खाने हो वो सादा खा ले।